हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लिंग स्पार्कल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मिरर वर्क के लहंगा के डिज़ाइन। ये सारे मिरर वर्क के जो लहंगा के डिज़ाइन हैं, आप मिरर वर्क का फैब्रिक जो मिलता है उसे ख़रीद के आप सिलवा सकते हैं इजीली। दोस्तों, मिरर वर्क का फैब्रिक जो है इजीली आजकल अवेलेबल है। इस तरीके का मिरर वर्क का फैब्रिक जो है मिल जाता है मार्केट में मीटर के हिसाब से। आप किसी भी तरीके का आपका जो पसंदीदा कलर हो और जो फैब्रिक उसमें ख़रीद के मीटर के हिसाब से इस तरीके के ब्यूटिफुल से जो है मिरर वर्क के लहंगे जो है आ सकते हैं दोस्तों। उसके सारे आइडियाज़ डिज़ाइंस के मैंने इस वीडियो में आपके लिए डाला है। मिरर वर्क का फैब्रिक जो है काफ़ी महंगा मिलता है, तो सिर्फ चोली आप सिला के जो है लहंगा प्लेन रखें तो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आएगा। या फिर अगर आप बहुत ग्रैंडियर लुक चाहते हैं तो फिर इस तरीके का पूरा लहंगा और चोली दोनों ही मिरर वर्क फैब्रिक में भी आप जो है सिला सकते हैं। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो है लहंगे आप बनवा सकते हैं दोस्तों मिरर वर्क के। मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरी अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने सारे जो आइडियाज़ दिया है वो उसका जो है प्लेन लहंगा पे जो है मिरर वर्क का जो है लेस लगा के बनाया गया है, या फिर जो है फैब्रिक मिरर वर्क का यूज़ करके ब्यूटीफुल से इस लहंगे को जो है तैयार किया गया है। इसमें देखिए प्रिंटेड लहंगा है ये, इसमें जो है मिरर वर्क की लेस लगा के ब्यूटीफुल सा लुक दिया गया है, या फिर इस तरीके का प्लेन सिल्क फैब्रिक में जो है मिरर वर्क का लेस लगाया गया है। इस तरीके का जो है लुक्स आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए मिरर वर्क लहंगा जो है इस तरीके का सिलाना चाहें वो भी आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। बच्चों के ऊपर भी इस तरीके के लहंगे जो है काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर वर्क का फैब्रिक जो है आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको मीटर के हिसाब से खरीद लें। उसमें जो है आप लाइनिंग और कैन कैन जो है लगा के ब्यूटीफुल से इस तरीके के फुल फ्लेड आउट लहंगाज आप बना सकते हैं। और नेट का दुपट्टा जो है कॉन्ट्रास्ट कलर का डाल लें, या फिर इस तरह से मैचिंग कलर का नेट का दुपट्टा डाल के खूबसूरत से जो है पार्टी वेयर लहंगाज इस तरीके के आप जो है तैयार कर सकते हैं दोस्तों। बहुत प्रिटी लुक आता है मिरर वर्क जो है, काफ़ी स्पार्कली शाइनी और ग्लैम इफेक्ट देता है। इस तरीके के लहंगे आप जो है कहीं भी शादियों में पहन सकती हैं, फेस्टिव सीजन में पहन सकती हैं दोस्तों, संगीत पार्टी पे, या फिर जो है रिसेप्शन पार्टी पे, मेहंदी में, हल्दी में, कहीं पे भी ये जो है मिरर वर्क के लहंगे हर ओकेजन में जो है अच्छे लगते हैं। अगर छोटा ओकेजन हो तो फिर प्लेन लहंगा से ला लें। अगर आप वेडिंग रिसेप्शन में पहन रही हो या फिर आपकी खुद की शादी हो तो फिर पूरा लहंगा ही आप जो है मिरर वर्क का इस तरीके का बनवा सकती हैं दोस्तों। उसके साथ आप जो है चोली जो है सेक्विन फैब्रिक का पेयर करें, या फिर इस तरह से कॉन्ट्रास्ट कलर का मिरर वर्क की ही चोली, या फिर मल्टी कलर का इस तरीके का मिरर वर्क की चोली आप सिलवा लें, काफ़ी खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। इस तरीके का शेवरॉन पैटर्न में भी मिरर वर्क का जो है फैब्रिक आजकल मिल रहा है, आप उसको लेके इस तरीके का शेवरॉन पैटर्न मिरर वर्क लहंगा भी सिला सकते हैं दोस्तों। इस तरीके के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में जो है आप मिरर वर्क का काम जो है अगर आप करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं। इस तरीके का फुल ऑन मिरर वर्क का काम आप करवा सकते हैं, उसके भी आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। देखिए ये जो है फैब्रिक यूज़ करके बनाया गया है, ब्लैक कलर का फैब्रिक है। इसमें जो है ये जो है और लेस यूज़ करके बनाया गया है। लेस जो है वर्टिकली आप लगा सकते हैं, कलीज की तरह दिखेगा आपका लहंगा, वो भी ब्यूटीफुल लगेगा। इसमें जो है मिरर वर्क की फैब्रिक जो है इसमें फुल ऑन यूज़ किया गया है, और जो है हेवियर मिरर वर्क को जो है चोली में यूज़ किया गया है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट मिरर वर्क के आउटफिट्स जो है आप शादी के लिए सिलवा सकते हैं। इसमें देखिए लहंगा प्लेन रख के मिरर वर्क के फैब्रिक में जो है चोली डिज़ाइन की गई है। इस तरह से देखिए और लेस को जो है ऊपर के हिस्से में लगाया गया है लहंगे के नीचे के हिस्से में जो है लेस काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फ्लेयर आउट लुक आता है। इसीलिए आप अगर चाहें लेस पे सेव करना तो फिर आप ऊपर के हिस्से में लगाएं और नीचे फुल ऑन फ्लेयर रखें तो काफ़ी अच्छा उसमें भी लुक आ जाता है दोस्तों। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इस तरीके के लहंगास डिफरेंट कलर्स के साथ आप सिला सकते हैं। अगर आप लटकन्स भी इस तरीके के मिरर वर्क के लगाएं तो और भी ब्यूटीफुल सा आपका डिज़ाइनर टाइप लुक जो है लहंगे का आ जाएगा। आप वेडिंग रिसेप्शन में पहन सकते हैं इस तरीके का। देखिए येल्लो कलर का लहंगा है, इसमें मिरर वर्क का फैब्रिक को जो है लेस की तरह यूज़ किया गया है। दुपट्टा में अगर आप लेस लगाएं मिरर वर्क की, वो भी काफ़ी खूबसूरत इस तरीके का लगेगा।
दो डिफरेंट कलर ऑफ मिरर वर्क के फैब्रिक्स को यूज़ करके इस तरीके का कंट्रास्ट कलर का लहंगे भी आप बनवा सकते हैं दोस्तों। नेट फैब्रिक में भी मिरर वर्क आजकल मिलता है, जॉर्जेट में, शिफॉन में, किसी भी फैब्रिक में मिलता है। आप जो भी आपको समझ में आए वो फैब्रिक खरीद के इस तरह से जो है आप बनवा सकते हैं। इस तरीके के ब्लाउज के डिज़ाइन भी मैंने आपके लिए डाला है यहाँ पे। मिरर वर्क का जो है आप ब्लाउज में भी करवा सकते हैं, फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का वर्टिकल लेसेस जो है सिर्फ स्लीव में डाल के जो है ब्लाउजेस ब्यूटीफुल से मिरर वर्क के लहंगे के साथ ब्लाउजेस मैचिंग वाले आप सिलवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही प्रिटी कलर्स भी हैं मिरर वर्क फैब्रिक में, बहुत ब्यूटीफुल लगता है इस तरीके का लहंगा। काफ़ी खूबसूरत जो है इस तरीके का लहंगे जो है काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, आप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। अगर आपको जो है मिरर वर्क ज़्यादा पसंद है तो आप लहंगे में इस तरह से लेस डाल के भी जो है मिरर वर्क अगर आप करा नहीं सकते तो फिर लेसेस इस तरीके के ख़रीद लें आप और लहंगे में डाल के, और जो है चोली में भी आप जो है नेकलाइन में और जो है स्लीव्स में डाल के बना सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स अवेलेबल हैं, उसका भी आइडिया मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। देखिए ये जो है शिफॉन पे मिरर वर्क किया गया है, ये लहंगे के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा ये फैब्रिक। ये जो है बहुत ही क्लोज्ड आउट मिरर फॉइल मिरर वर्क है, बहुत नज़दीक पे लगाया जाता है तो ये चोली के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरीके का फैब्रिक, आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल से इस तरीके से मल्टी कलर मिरर वर्क फैब्रिक भी अवेलेबल है। इस तरह से देखिए इस पे सिल्क पे का एक मिरर वर्क का जो है काम किया गया है, ये फैब्रिक भी आपको जो है इजीली मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स को यूज़ करके आप अपना लहंगा जो है तैयार करवाएं। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा दोस्तों। हमें लाइक